जो सामने हमारे रास्ते दिख रहे हैं, हमें साफ दिख रहा है कि कांग्रेस और तेजस्वी यादव के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और शक्ति सिंह गोयल के आना है और बिहार में महागठबंधन का टूटना है, ये फिक्स्ड है। सबका अलग अलग मत होना राजद को लेकर, महागठबंधन को लेकर, साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर में गेम चल रहा है, द्वंद चल रहा है। और इस द्वंद का अगर निष्कर्ष बीच का भी निकलता है ना, तो राजद कहीं नहीं दिख रही। और वो कार्यकर्ता अब ये मांग कर रहे हैं कि जब राजद 150 पर लड़ना चाहती है तो हम भी सारी सीटों पर चुनाव लड़ देते हैं, या तो सभी लोग रहेंगे या कोई नहीं रहेगा। ये कांग्रेस का कहने का मतलब अब निष्कर्ष निकल रही है, कांग्रेस इस तरफ बढ़ रही है। सही यही है कि सबकी चिंता यही बनी हुई कांग्रेस में कि ये विधायक भागेंगे तो भागेंगे एक ही कारण से कि वो एक्स्ट्रा जो वोट परसेंटेज 2015 में था वो कहाँ से आएगा, और वही जोड़ने में कांग्रेस लगी हुई है। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूँ और आप भारत लाइव देख रहे हैं। तो करते हैं आगाज आपके पसंदीदा कार्यक्रम रातों रात की, जहां हम आपको ऐसी खबरें देते हैं जो आगे चल के राजनीति की सूत्रधार बनती है। हमने हमेशा आपको ऐसी खबरें दी है जिसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहता है। तो आज का जो टॉपिक है, हम उस पर जाने से पहले आपको कुछ जो पीछे जो हुई है उसकी भी जानकारी दे दें। हमने आपको बताया आरजेडी के हॉट सीट के बारे में, उसके बाद बीजेपी की बारी आई जो कहाँ जा कर के आपको टिकट मिल सकता है उसकी बात बताई। हमने आपको जेडीयू में कहाँ कहाँ जा कर आपको टिकट मिलने की संभावना है जी, उसकी बात बताई। तो अब तो टिकट तो मिल गया, अगर हमारे कार्यक्रम के हिसाब से देखें टिकट तो मिल गया, लेकिन टिकट मिलने के बाद ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन किसके खेमे में रह के चुनाव लड़ेगा जी। क्योंकि बिहार की जो अभी की जो मौजूदा राजनीति है उसमें कोई पार्टी अकेले चुनाव लड़ने में काबिलियत में नहीं है अभी, जैसा जो स्थिति बनी हुई है बिहार में। तो ऐसे में जो एक जो टॉपिक है, जो आज के रातों रात कार्यक्रम का जो टॉपिक है, अगर आप महागठबंधन खेमे से हैं या फिर एनडीए खेमे से हैं या किन्हीं के सपोर्टर हैं, ये शो आप ही के लिए है। फिर तो आज का जो टॉपिक है, क्या कांग्रेस तेजस्वी को मिलेगा धोखा, और कांग्रेस कर रही है मौके की इंतजार में लगी हुई है कांग्रेस, तो क्या इस बारे पे हम बात करेंगे। तो आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं हमारे संपादक नमन मिश्रा, तो हम उनसे बात करते हैं। तो ऐसी क्यों स्थिति बन रही है कि तेजस्वी को धोखा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, कायदे से महागठबंधन में जो परिस्थितियां हैं जी, ये सुलझ सकती हैं जी, लेकिन कुछ तो नेताओं के आपसी ईगो हैं जी, वो आड़े आ रहे हैं, और कुछ अति महत्वाकांक्षी लोग, मतलब मांझी जी को अति महत्वाकांक्षी आप बोल सकते हैं और तेजस्वी को ईगो वाला बोल सकते हैं, कि तेजस्वी के जो समर्थक हैं वो मानेंगे नहीं इस बात को। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव अगर चाहे तो थोड़ी पहल कर सकते हैं, मांझी जी बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं, मांझी जी बस एक मीटिंग मांग रहे हैं और वो सामने से सुनना चाहते हैं कि राजद उन्हें क्या ऑफर कर रही है। देखिए, कांग्रेस ने प्रयास किया, कांग्रेस ने अपनी तरफ से प्रयास किया, कांग्रेस लगातार चाह रही है कि महागठबंधन का पुराना स्वरूप रहे। इसके पीछे कारण क्या है, ये भी हमने बता दिया कि कांग्रेस देख रही है कि वोट परसेंटेज क्या है। 2015 वाला वोट परसेंटेज तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी नीतीश की जो कमी है वोट प्रतिशत की, वो पूरी की जाए इन दलों से जी। और ये समीकरण अलग है, इस चुनाव में जातिगत खपत हो जाती है, जातिगत आंकड़े बहुत काम आते हैं, तो मांझी जी के जाति का भी असर होगा, दलित महादलित जो जातियां हैं वो इत्तेफाक रखती हैं उनसे। अब उसी हिसाब से अगर देखें तो वीआईपी को भी साथ में रखना चाहिए, कुशवाहा को भी साथ में रखना चाहिए, कांग्रेस तो है ही जी। लेकिन राजद ने एक स्टैंड सा ले लिया है जी, कि वो 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जी, और वो सीएम कैंडिडेट भी देगी। अब इन दो चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो इसके बाद सीटें बचती कितनी है, और उतनी सीटों में आप मारा मारी तो देख लीजिए, मैं अगर नाम लेना शुरू करूंगा तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी। अब देखिए, जेएमएम आ रही है, सीपीआई एमएल, पप्पू यादव को जोड़ने की बात चल रही है, पप्पू यादव तीसरे मोर्चे में नहीं जा रहे हैं, वो भी इंतजार में किसी में कहीं बर्थ मिल जाए, सीट मिल जाए तो वो इंतजार में है, सपा है, बसपा है, इसके अलावा भी कई पार्टियां जो कि इंतजार में है कि उनको महागठबंधन में बर्थ मिलेगा। तो अब देखिए ना, इतनी सारी पार्टियों के बाद अब मुख्य पार्टियों पर आ जाइए, वीआईपी है, रालोसपा है, मांझी जी की हम है, कांग्रेस है, राजद है, इन सभी दलों को एक साथ आना है,
तो 150 सीटें जो राजद अपने पास रख ले रही है, उसके बाद बचती ही कितनी सीटें हैं, और इन सीटों जो 40 उधर बच रही है, 50 इधर बच रही है, तो 50-90 सीटों में कैसे डिवीजन हो सकता है? कांग्रेस अकेले 50 सीटों से कम चुनाव लड़ने की तैयारी में नहीं है जी। तो अगर इसमें से भी आप 50 सीट निकाल देते हैं तो बच कितनी सीटें रही हैं? 50 सीटों पर बाकी लोग चुनाव लड़ेंगे, 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इन 40 सीटों पर चुनाव लड़के कैसे हो पाएगा? 5 खबर जो हमारी आई है उस हिसाब से मांझी जी को 5 सीटों का ऑफर लेकर गए थे कांग्रेस के जो शक्ति सिंह गोहिल जी हैं प्रभारी, वो बेरंग लौटा दिए गए, मांझी जी मानेंगे नहीं, कांग्रेस भी नहीं मानती, लेकिन कांग्रेस की मजबूरी है, कांग्रेस चाह रही है कि सभी को एक साथ लेकर चलते हैं, तो 19-20 करके सीटों का समीकरण कर लेते हैं जी। देखिए कांग्रेस भी, मैंने कल खबर की थी तो मैंने बताया था कि कांग्रेस भी 50 सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है जी। वो भी चाहती है कि 80 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन वो बाकी लोगों को साथ में लेकर चलने की वजह से 30 सीटें अपनी छोड़ रही है। और कांग्रेस का दावा है, मतलब ये कांग्रेस का मांग है शक्ति सिंह गोहिल का तेजस्वी यादव से कि आप 30 सीटें अपनी छोड़िए, यानी 120 सीटों पर लड़िए, उससे कम में भी लड़िए, और आप 120 सीटों पर जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, उसमें आप जेएमएम सबको एडजस्ट कर लीजिए। अच्छा, 120 में ही एडजस्ट कर लिए जेएम को, जिसको उसको आप लेकर आ रहे हैं, और 30 सीटें छोड़िए इधर, ताकि और 30 सीटें हम छोड़ देते हैं, यानी कि 50 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 80 में से 30 उन्होंने छोड़ दिया, 30 आप छोड़ दीजिए, और उस हिसाब से जो सीटें बच रही हैं उसमें हम सबको मिलकर लड़ लेंगे, हम एक समीकरण बना लेंगे। कांग्रेस इसके लिए तैयार है, अहमद पटेल भी तैयार है, राहुल गांधी भी बार बार ये बात कह रहे हैं। और देखिए कांग्रेस हमेशा कह रही है कि महागठबंधन एकजुट है, लेकिन कार्यकर्ताओं से जब बातचीत आप कर रहे हैं तो ये जो देरी हो रही है ना, इसकी वजह से बेचैनी बढ़ती जा रही है, और वो कार्यकर्ता अब ये मांग कर रहे हैं कि जब राजद 150 पर लड़ना चाहती है तो हम भी सारी सीटों पर चुनाव लड़ देते हैं, या तो सभी लोग रहेंगे या कोई नहीं रहेगा। ये कांग्रेस का कहने का मतलब अब निष्कर्ष निकल रही है, कांग्रेस इस तरफ बढ़ रही है, और जब कोई नहीं रहेगा तो कांग्रेस को 243 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ सकता है जी। और उस परिस्थिति में कांग्रेस पोस्ट पोल अलायंस पर अपना विश्वास रखेगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, यहाँ तक तो पहुँचा जा सकता है या पहुँच सकते हैं परिस्थितियाँ बस। लेकिन जो बड़ी बात यह है, आपसे बात करने के दौरान सिद्धार्थ क्षत्रिय ने कह दिया है ये बात स्पष्ट तौर पर कि मुहर भी लगा दिया उन्होंने कि 243 सीटों पर हम लड़ेंगे, और मुहर भी लगा दिया कि मीरा कुमार का नाम सामने, मीरा कुमार का नाम सामने कर दिया उन्होंने। तो इस हिसाब से अगर आप जोड़ घटाव करते हैं तो आपको एक चीज समझ में आता है कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच में या तो बहुत ज्यादा विचार भिन्नता है, या ये दोनों मिलकर कोई षड्यंत्र रच रहे हैं राजद के खिलाफ। देखिए राजद के खिलाफ जाने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, ऐसा कोई मकसद नहीं जिसकी वजह से राजद को छोड़ दे कांग्रेस, उल्टा फायदा ही है राजद को, राजद कांग्रेस का एक साथ रहने से। लेकिन कांग्रेस पता नहीं जिन परिस्थितियों में भी पार्टी का चल रहा है थिंक टैंक, और तीन दिन मीटिंग चला है, चार चार घंटे 5-5 घंटे तक लगातार एक ही रूम में बैठकर लोगों ने डिस्कस किया है, कोरोना का काल है फिर भी देख रहे हैं मीटिंगों का दौर जारी है, ये इसके पीछे कारण है कांग्रेस को, मैंने ये भी कारण बताया है आपको कभी ना कभी, और इसके पीछे कारण ये है कि कार्यकर्ता देख रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ना है, नए लोगों को चुनाव लड़ने की इच्छा है, पुराने कार्यकर्ताओं जो विधायक बने हैं उनकी संख्या 27 है, 40 सीट पर पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी, विन परसेंटेज के हिसाब से 27 लोग जीत कर आए थे, बाकी लोग बुझबते थे वो भी चुनाव लड़ेंगे ही जो आ रहे थे, और उसके बाद और लोगों को इस बार चुनाव लड़ने की भी मन है, तो कांग्रेस सोच रही है कि जो पुराने विधायक हैं वो भाग न जाए, क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस के कई विधायक जो लगातार जदयू के संपर्क में हैं, अशोक चौधरी को तो काम ही दिया गया था यही कि वो लेकर आए, लेकिन वो नहीं लेकर आ पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभाव यहाँ भी है विधायकों पर अपने, लेकिन विधायक इस इंतजार में है कि टिकट कंफर्म हो, अगर कंफर्म नहीं होगा या वो उनकी सीट थोड़ी सी भी 19-20 होती है, जैसे कुछ विधायकों का हमें खबर है लेकिन हम बताएंगे नहीं, कुछ विधायकों का हमें खबर है कि सीट उनकी कट चुकी है लेकिन उन्हें इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दिया गया, पार्टी भी उन्हें भ्रमित रख रही है कि वो भागे मत, तो ऐसी परिस्थिति में आप खुद सोचिए, हालांकि ये तो भागेंगे लास्ट में, लेकिन उन परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि हमारे जो विधायक हैं वो मत भागे, ये मैसेज ना जाए मार्केट में कि हमारी पार्टी टूटने वाली है, क्योंकि ये टूट जाएगा, और टूटने का कारण भी है जो विधायक है उन वो भी जोड़ घटाव कर रहे हैं, जो 2015 में पहली बार जीत कर आए विधायक वो ये कभी नहीं मान सकता कि मैं अपने दम पर चुनाव जीत कर आया हूँ, वो भले ही सामने कह दे कि मैं अपने दम पर चुनाव जीत कर आया हूँ, मैं ऐसे लोगों का नाम ले सकता हूँ लिटरली, कांग्रेस के ऐसे कई नेता हैं, लेकिन वो जनता के सामने जरूर कहेंगे कि अपने दम पर चुनाव लेके आए, लेकिन पीछे सब लोग कहते हैं, कोई कहता है कि मैं लालू यादव के कार्यक्रम 2-3 मिल गए थे मेरे यहाँ जिसकी वजह से यादव वोटर्स मेरे साथ आ गए, कोई कहता है कि नीतीश कुमार आकर और नीतीश कुमार ने हमारे हमारे पक्ष में कर दिया पूरे चुनाव को, तो ये दिमाग में बैठा हुआ है,
और जब वोट परसेंटेज आप जोड़ने जाते हैं तो नीतीश का भी 16% वोट होता है जी। तो ये 16% वोट आखिर आएगा कहाँ से? कांग्रेस की बेचैनी बार बार यही, मैं बार बार कई कार्यकर्ताओं से मैं बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय बन जा रहा है बार बार मीटिंगों के दौरान भी, दावे तो बहुत से लोग कर रहे हैं कि जदयू के विधायक भी हमारे संपर्क में है, ये भी संपर्क में, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई यही है कि सबकी चिंता यही बनी हुई कांग्रेस में कि ये विधायक भागेंगे तो भागेंगे एक ही कारण से कि वो एक्स्ट्रा जो वोट परसेंटेज 2015 में था वो कहाँ से आएगा, और वही जोड़ने में कांग्रेस लगी हुई है। कांग्रेस इसलिए चाहती है कि सारे दल साथ में रहें, और यही जो राजद का स्टैंड आ गया है अब कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी सीटों पर, सीएम कैंडिडेट पर कॉम्प्रोमाइज, सीएम कैंडिडेट पर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए ना, लेकिन कम से कम सीटों को लेकर तो बातचीत होनी चाहिए थी। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग माझी जी बार बार क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस पर प्रेशर क्यों बन रहा है? इसीलिए क्योंकि बैठकर सीटें डिसाइड की जाए, तब वो सुनना चाहते हैं खुद तेजस्वी यादव के मुंह से, माझी जी वहां बैठे हुए, कि आप अपने मुंह से कहिए कि आप 150 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तब वो अपने रिएक्शन को देंगे तो ठीक है मैं नहीं रहूंगा जी। या आप 150 सीट कैसे लड़ सकते हैं जी? बाकी लोग हम लोग क्या करने आए हैं, झाल बजाने आए हैं, ये भी तो चुनाव लड़ेंगे, इनकी भी पार्टी को सर्वाइव, आपको तो पता होना चाहिए कि पार्टियों को सर्वाइव करने के लिए सर्टेन सीट पर चुनाव लड़ना पड़ेगा पार्टी के स्तर बचाने के लिए जी। और ये सारी चीजें आड़े आ रही हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूरी बस ही कांग्रेस को धोखा देने की तैयारी करनी पड़ रही है इंटरनली, और बड़ी बात नहीं है, पहले भी अलग हो चुके हैं दोनों, हालांकि मुझे कोई स्पष्ट कारण नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मतभिन्नता और जिस तरह के पॉलिटिकल गोल सेट किए गए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और उच्च नेताओं के बीच में और विधायक के बीच में है, इन सब का अलग अलग मत होना राजद को लेकर, महागठबंधन को लेकर साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर में गेम चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, और इस द्वंद्व का अगर निष्कर्ष बीच का भी निकलता है ना तो राजद कहीं नहीं दिख रही है। तो लगातार तेजस्वी यादव जो है इस बात पे क्यों अटके हुए हैं कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ऐसा क्यों अटके हुए? इसके पीछे कारण है, तेजस्वी यादव अपने पिता का वोट बैंक देख रहे हैं, राजद में जो समीकरण है MY तो A to Z कह रहे हैं वो, लेकिन MY समीकरण पे उनको विश्वास है, उन्हें लगता है कि यादवों का एक बड़ा वोट परसेंटेज ऑब्वियसली है बिहार में, और मुसलमानों का वोट परसेंटेज जो है पूरे सीमांचल और बिहार के डिस्ट्रीब्यूटेड इलाकों में, अगर उसको वो कैपिटलाइज कर लेंगे तो उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। राजद ने पहले भी ये बात प्रूफ की है, राजद कई बार सरकार बना चुकी है, लेकिन हाँ कांग्रेस की आवश्यकता उसे पड़ेगी जी। जिस तरह से कांग्रेस को राजद की आवश्यकता पड़ेगी उसी तरह से राजद की आवश्यकता उसे पड़ेगी। हाँ एक बात जरूर है कि जो बार बार खबरें मार्केट में आ रही हैं कि राजद की जो शीर्ष नेतृत्व करता है तेजस्वी यादव, उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई है, भूपेंद्र यादव से मुलाकात हो रही है, ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं आई हैं अब तक मीडिया के सामने, लेकिन इन चीजों पर भी कांग्रेस को बेचैनी है। कांग्रेस ये भी सोच रही है कि कहीं राजद ही धोखा न दे दे इस बार राजद ही न चली जाए, क्योंकि भाजपा के साथ कांग्रेस तो नहीं जा सकती है ना, अगर राजद जाएगी तो राजद अकेली जाएगी ना, राजद साथ भाजपा तो कांग्रेस नहीं जा सकती ना, यही प्रॉब्लम है। और इसी वजह से कांग्रेस के लोगों में बेचैनी बढ़ रही है कि ये इंपोज क्यों कर रहे हैं अपने आप को इस तरह से फंसा कर देगा। खुद सोच लीजिए, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की डील हुई है कि लालू यादव को छोड़वाने के लिए जेल से, मैं ये सब चीजें ख्याली पुलाव हैं, इन सब बातों पे पढ़ना बेकार हो जाएगा क्योंकि कोई सत्यापित करने वाली व्यवस्था नहीं है ऐसी। खबर तो ये भी आ रही है कि तेजस्वी यादव के हाथ पीले करने की तैयारी चल रही है। जी जी वो सारी खबरें हैं, वो अलग कुछ तरह से चला भी रहे हैं कि भूपेंद्र यादव के यहाँ रिश्ता लेकर जाएंगे तो क्या होगा क्या। खैर इन सब चीज मैं वही कहूंगा कि इन ये सारी चीजें जब तक प्रूव नहीं हो जाती हैं तब तक इस तरह के व्यक्तिगत आक्षेप लगाने से बचना चाहिए। देखिए पॉलिटिकल एजम्पशन हम करते हैं, आज भी हम पॉलिटिकल एजम्पशन कर रहे हैं, जो सामने हमारे रास्ते दिख रहे हैं हमें साफ दिख रहा है कि कांग्रेस और तेजस्वी यादव के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, और शक्ति सिंह गोयल के आना है और बिहार में महागठबंधन टूटना है, ये फिक्स्ड है। और इसी एजम्पशन के तहत हम देख रहे हैं कि एक रास्ता दिख रहा है जिससे कांग्रेस धोखा देती दिख रही है साफ तौर पर। अब सीएम के चेहरे को लेकर हो या सारी सीटों को लेकर प्रेशर बनाने पर हो, अब पुराना रिश्ता आपका मेरा है और आप उनके हिमायती बनिएगा तो मैं तो कहूंगा ना कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस धोखा देने की तैयारी कर रही है मौका मिले तो। इस बात की जो भनक है, इस हवा की जो हवा का जो झोंका है, ये राबड़ी देवी की आवाज तक भी तो पहुंचा होगा, तो तेजस्वी क्यों अपना वही स्टैंड लेकर के बने हुए हैं लगातार? नहीं देखिए उसके पीछे कारण है, तेजस्वी यादव जानते हैं कि अगर वो पीछे हटेंगे तो एक दो कदम नहीं होगा, वो बहुत पीछे चले जाएंगे, और ये तेजस्वी यादव के लिए बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है।
इस बार का चुनाव अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए भी, अगर तेजस्वी इस बार नहीं जीतेंगे तो आने वाले समय में उनके लिए रास्ता ही बचता बहुत नहीं है। अब देख लीजिएगा कि उनके पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी उनके लोग भी पूछने लगेंगे, उनके जो एक्शंस हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी उनकी हो जाएगी, जो सारे कार्यकर्ता और बड़े नेता उनके पार्टी के उन पर आरोप लगा रहे हैं वो भी सही हो जाएंगे, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो भी सही हो जाएगा, जनता की नजर में भी मैसेज, अगर मान लीजिए वोट परसेंटेज नहीं आता 2019 में कितना बड़ा घाटा हुआ था वो आप समझिए, अगर उस तरह से वोट नहीं आते तो लोग फिर कहेंगे कि लगता है तेजस्वी यादव में वो बात नहीं जो लालू यादव में थी, और यहीं से उनकी राजनीति खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बात हो गई है कि राजद जो है तेजस्वी यादव अपने स्टैंड पे कहीं ना कहीं खड़े दिख रहे हैं, इसके लिए उनके पास बहुत बड़ी एक रणनीति वो लेकर के चल रहे हैं, और इसी रणनीति का एक हिस्सा आप कह सकते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हो रही है या फिर कांग्रेस के साथ बैठक की बात हो रही है, तो इस पे वो आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो आगे क्या होगा, क्या कांग्रेस खुद पीछे हट जाएगी, क्या कांग्रेस धोखा देती है या फिर आरजेडी धोखा दे करके अपना खुद बात कर दे, खुद सामने आ जाए, सामने से आके फ्रंट फुट पे आके बल्लेबाजी करते हुए वो कांग्रेस के छक्के छुड़ा दे, तो क्या होता है महागठबंधन में, महागठबंधन का रेल आखिर चलता है या फिर सब डिब्बे जो है अलग अलग हो करके। ये सब कुछ डिपेंड करेगा एक शब्द पर जी, कि कांग्रेस क्या बाकी सारे दलों को छोड़ने के लिए तैयार है जी, महागठबंधन के बाकी जो दल हैं उनको छोड़ने के लिए कांग्रेस तैयार है। राजद ने छोड़ दिया और राजद चाहती है कि कांग्रेस भी छोड़ दे जी। अब अपमान सह के भी कांग्रेस कहीं ना कहीं माझी जी के घर पे जा रही है, तो ये तो वोट परसेंटेज ही है जो आपको लेकर जिले जा रहा है, लेके जा रही है, और ये बातें राजद मान चुकी है कि उसे उस वोट परसेंटेज की आवश्यकता नहीं है। जिस कॉन्फिडेंस में तेजस्वी यादव है उसी कॉन्फिडेंस में अगर कांग्रेस आ जाए तब तो सब ठीक है, वरना राजनीतिक धोखा तो होगा ही होगा। तो कांग्रेस और मांझी जी के बीच मामला गर्म है, लेकिन कांग्रेस जो है उसे गर्म चाय समझ के पीने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो चाय भी बार बार फीकी नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या होने वाला है आगे, ये तो आने वाली समय बताएगी, आने वाला वक्त बताएगा। खैर बिहार है, बिहार में पल दर पल जो है आपको राजनीति घटना जो है बदलते रहती है, राजनीतिक परिदृश्य बदलते रहती है। तो अभी आज आपने सुना, आज आपने इस कार्यक्रम के दौरान जाना कि कौन किसको धोखा देने की कोशिश में और क्यों देने की कोशिश में है। तो और ऐसी ही खबरें जो है लगातार हमारे YouTube चैनल पे लगती रहती है, लगातार प्रेषित होती रहती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है, तो ये अब तो मुझे नहीं लगता है कि कहने की ज़रूरत है। तो आप जाएँ ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कैसा लगता है शो, किस बात को आप क्या जानना चाहते हैं, आप किस विषय में जानना चाहते हैं, आप हमें वो भी बताइए, हम उसका जो है पोस्टमार्टम करके ले आएंगे आपके सामने, उस बात को हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तो आज बस विदा लेते हैं यहीं पे, तब तक के लिए नमस्कार, फिलकर इसी वक्त में आपके सामने हाजिर होंगे। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।